हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरेन पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। आज यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन ऑपरेटर्स विथ सेम प्रेसिडेंस। यहाँ पे अगर हम लोग को किसी भी एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो किस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होंगे वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, 10 + 20 × 30। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंस होगा सबसे पहला कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 10 + 20 × 30 मैंने लिखा है। ये है एडिशन ऑपरेटर, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हमेशा हायर होगा। यहाँ पे हम लोग जो प्रेसिडेंस की बात करते हैं वो हमेशा यहाँ बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ चलती है। बोर्डमास रूल जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस जो होता है हमेशा हायर होगा। साथ में यहाँ पे जो एडिशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया उसका लोअर प्रेसिडेंस होगा। तो यहाँ हायर प्रेसिडेंस वाले जो ऑपरेटर होंगे सबसे पहले सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे 20 × 30 सबसे पहले सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई विल हैपन फर्स्ट एज मल्टीप्लीकेशन हैज़ हायर प्रेसिडेंस। 20 × 30 = 60 आ जाएगा। यहाँ पे 10 वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे उतर गया है 10 + 60 = 70। जो एडिशन ऑपरेटर है वो उसके बाद में सॉल्व होगा। देन आते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी पे। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज व्हेन टू ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस विल अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। एसोसिएटिविटी कैन बी इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एसोसिएटिविटी हम लोग उसको बोलते हैं like अगर किसी भी दो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस सेम हो जाते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कोई भी दो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस अगर सेम होते हैं तो वहाँ पर हम लोग को एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करते हुए लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन हैव सेम प्रेसिडेंस एंड देयर एसोसिएटिविटीज लेफ्ट टू राइट। सो द एक्सप्रेशन 100 / 10 × 10 इज ट्रीटेड एज 100/10 इन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लीकेशन बाई 10। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेगा। 100/10 सबसे पहले सॉल्व होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। देन आते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, इसी को हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले 100/10 ये इसका हायर एसोसिएटिविटी होगा, देन मल्टीप्लिकेशन का लोअर, क्योंकि यहाँ लेफ्ट टू राइट फॉलो हो रहा है। लेफ्ट साइड से जो भी सबसे पहले ऑपरेटर आएगा उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर डिविजन ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 100/10 सबसे पहले सॉल्व होगा और रिजल्ट देगा हम लोग को 10। देन उसके बाद 10 × 10 इसका लोअर एसोसिएटिविटी है तो ये बाद में सॉल्व होगा और 10 × 10 = 100 हम लोग को मिलेगा। डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट LTR एसोसिएटिविटी। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज़ करके ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा और इसी को बोला जाता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर दैट डिटरमाइन द इवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ सब एक्सप्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट्स. फॉर एग्जाम्पल सॉल्व 100 + 200 डिवाइड बाई 10 - 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 10. अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक एक्सप्रेशन हम लोग क्रिएट करें विदाउट ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने कोई भी ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किया है, तो उस केस पे यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग का एक एक्सप्रेशन है 100 + 200 डिविजन बाई 10 - 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 10. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगा, डिवाइड विल हैपन फर्स्ट, इट हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इट हैज़ द सेम प्रेसिडेंस बट हायर एसोसिएटिविटी. प्रेसिडेंस सेम है बट वहाँ एसोसिएटिविटी हायर है. तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड सॉल्व होगा, तो यहाँ पे 100 + 200 डिवाइड बाय 10, 200 डिवाइड बाय 10 हो गया 20. देन इसके बाद आएगा सेकेंड में मल्टीप्लीकेशन. डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन हैव द सेम एसोसिएटिव, सेम प्रेसिडेंस बट लोअर एसोसिएटिविटी. मल्टीप्लीकेशन विल हैपन सेकेंड, इट हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस देन पॉजिटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इट हैज़ द सेम प्रेसिडेंस एज डिविजन बट लोअर एसोसिएटिविटी. मीन्स एसोसिएटिविटी हायर थी डिविजन की क्योंकि लेफ्ट साइड से सॉल्व हो रहा था. उसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का लोअर एसोसिएटिविटी क्योंकि लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो रहा है. तो डिविजन के बाद सेकेंड में क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा. देन उसके बाद 100 + 20 ये यहाँ पे आ जाएगा. 100 + 20 अब पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर जो होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा थर्ड स्टेप में. 100 + 20 20. देन उसके बाद यहाँ पे 300 + 20 हो गया इक्वल टू 120 आया. देन उसके बाद ये जो 3 × 10 था इक्वल टू 30 आया. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा लास्ट स्टेप में, 120 - 30 इक्वल टू 90. इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को एंड रिजल्ट मिलेगा. विदाउट ब्रैकेट्स कैसे यूज़ किया जाता है वो हमने देखा यहाँ पे, कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर विदाउट ब्रैकेट्स हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. पॉजिटिव, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ हैव सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैव द हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओवरऑल बात यह है कि डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ द सेम प्रेसिडेंस एंड हायर एसोसिएटिविटी. जब भी हम लोग कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा उसका प्रेसिडेंस हमेशा लोअर होगा और दोनों का सेम प्रेसिडेंस होगा. तो अगर हम लोग कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का यूज़ हम लोग करते हैं. अब यहाँ पे कुछ हम लोग ऑपरेटर वाइज एसोसिएटिविटी हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला आता है पोस्ट फिक्स, जिसमें हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. ब्रैकेट्स होता है, यहाँ पे एरो होता है, डॉट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसका एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट. देन आता है यूनरी ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, नॉट, टिल्ड साइन. देन उसके बाद निगेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, टाइप एंड साइज ऑफ, इसका हमेशा रहता है राइट टू लेफ्ट. यूनरी का हमेशा रहेगा राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी. मल्टीप्लीकेटिव में हम लोग देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड मॉडुलस, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगा. एडिटिव का होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगा.
रिलेशनल ऑपरेटर्स के होंगे लेफ्ट टू राइट, इक्वालिटी के भी होंगे लेफ्ट टू राइट, बिट वाइज एंड का लेफ्ट टू राइट, बिट वाइज और का लेफ्ट टू राइट, बिट वाइज और लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल एंड लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट, कंडीशनल ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल्सो राइट टू लेफ्ट एंड कॉमा, कॉमा ऑपरेटर इज ऑल्सो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि ऑपरेटर वाइज भी मैक्सिमम एसोसिएटिविटी यूज़ की जाती है लेफ्ट टू राइट, लाइक यूनरी, कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा यूज़ करते हैं राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को लेकर। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है एसोसिएटिविटी इज ओनली व्हेन देयर आर टू और मोर ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। पॉइंट नंबर टू, ऑल ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस हैव सेम एसोसिएटिविटी। जितने भी ऑपरेटर्स हम एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे अगर उसका प्रेसिडेंस सेम होता है तो उसकी एसोसिएटिविटी भी सेम होती है। दिस इज़ नेसेसरी अदरवाइज देयर वोंट बी एनी वे फॉर द कंपाइलर टू डिसाइड इवेल्युएशन ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन विच हैव टू ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस एंड डिफरेंट एसोसिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव द सेम एसोसिएटिविटी। पॉइंट नंबर थ्री है यहाँ पे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट आर डिफरेंट। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी अलग अलग होंगे। प्रेसिडेंस ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इज मोर देन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देयर एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो डिफरेंट। एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इज लेफ्ट टू राइट एंड एसोसिएटिविटी ऑफ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट। पोस्ट फिक्स का लेफ्ट टू राइट होगा एसोसिएटिविटी और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का राइट टू लेफ्ट होगा। तो दोनों के लिए पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के लिए यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किया गया है। पॉइंट नंबर फोर, कॉमा हैज़ द लीस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल द ऑपरेटर एंड शुड बी यूज्ड केयरफुली। कॉमा ऑपरेटर का सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस होगा अमंग ऑल द ऑपरेटर एंड शुड बी यूज्ड केयरफुली। देयर इज नो चेनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी। इन पाइथन एक्सप्रेशन लाइक सी greater than b greater than a is treated as c greater than b and b is greater than a। अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें तो वहाँ पे ऑपरेटर कंपैरिजन जो होते हैं वहाँ पे हम लोग चेनिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेनिंग यूज़ करेंगे तो पॉसिबल है कि जो भी हम लोग का आउटपुट है वो मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पे आउटपुट फॉल्स आए। तो ये फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।